जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग। नमस्कार, मैं निशांत कुमार साहब सभी गणित पाठकों का स्वागत करता हूं। तो फटाफट आ जाइए बिना किसी भी देरी के, बिना किसी भी हिचकिचाहट घबराहट के, क्योंकि आज की कहानी बड़ी खूबसूरत और बड़ी सुंदर होने वाली है। आप सभी लोग फटाफट आ जाइए, क्योंकि यार समय कम है और काम बच्चों ज़्यादा। और आप सभी लोग जो है वो बड़े खतरनाक तरीके से जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, और काफ़ी आज की क्लास सुंदर होने वाली है। आपको तो पता है जिस तरीके से ये चीते की दहाड़ है, वैसी जोर से चीते की आज दहाड़ पड़ने वाली है। और साथियों आज याद रखिएगा, आज की क्लास में और कुछ आग लगा देने वाली बात करूँगा, मतलब सिखाऊंगा मैं आपको। तो भाई फटाफट आप लोग जो है वो सेशन को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा बातें हो सके, प्यारी प्यारी खूबसूरत खूबसूरत सुंदर सुंदर बातें। जी हाँ, तो आप सभी से मेरा नम्र निवेदन, आप फटाफट जुड़ जाइए। जी हाँ, सफलता कर रही है आपका इंतज़ार, तो क्यों आप जा रहे हैं इधर उधर कहीं और किसी द्वार, क्योंकि हम हैं आपको सफलता दिलाने में, हम आपका करेंगे सपना साकार और कराएंगे अपने आप कराएंगे सफलता की गाड़ी में सैर। तो चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। उससे ठीक पहले हमारा एसएससी एमटीएस हवलदार का जो सफल सो बैच है, प्रतिज्ञा बैच, वो आ चुका है एमटीएस के लिए। ये इसमें बाईलैंग्वल डेली क्लास हो रही है, इसमें डेली लाइव क्लास हो रही है, क्लास पीडीएफ मिल रहा है, सुपर नोट मिल रहा है, प्रैक्टिस नोट मिल रहा है, एक्सपर्ट फैकल्टी है, डाउट सेशन है, सब कुछ है जाने मन। तो जो इसमें आप चाहिए सारा कुछ है जाने मन इसमें अंदर, तो आप सब कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। तो आइए क्लास को आज शुरू करते हुए, क्लास को शुरू करते हुए इस क्वेश्चन को अभी आपके सामने मैं पेश करूंगा और इसे एक टेक्निक से करा के दिखाऊंगा। क्या करा के दिखाऊंगा? एक टेक्निक से करके दिखाऊंगा और एक टेक्निक से लगातार करके दिखाऊंगा। जी हाँ, आपको और हमको दोनों को बहुत मजा आएगा। एग्जाम कब तक आएगी, मतलब एग्जाम कब तक आएगी, इसका मतलब क्या है? जी हाँ, फटाफट बिना किसी देरी के, बिना किसी हिचकिचाहट घबराहट उल्टी फुल्टी और कोई समस्या के करके दिखाइए। समय कम है विद्यार्थियों और काम ज्यादा, तो फटाफट बिना किसी देरी के इस प्रश्न को जल्दी से करके दिखाइए। अच्छा, टाइमर नहीं दिया हमने, टाइमर नहीं हमने दिया। देखो इसको ना दो तीन तरीकों से कर सकते हैं और दोनों तीनों तरीका मैं आपके समक्ष प्रकट करूंगा, आपके समक्ष प्रकट करूंगा और आपको 100% वाली बात रही सफलता के करीब ले जाऊंगा। परेशान ना होना है, जी हाँ परेशान ना होना है बच्चों। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर सा चीज, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर सा आइटम आपके समक्ष पेश किया गया है। देखिए क्या लिखा गया है, 5 सदस्यों की औसत आयु 22 साल है। 5 सदस्यों की औसत आयु क्या है? 5 सदस्यों की औसत आयु क्या है? 5 सदस्यों की औसत आयु 22 साल है। अब यदि निशांत कुमार साह की आयु शामिल कर दी जाए, यानी इन 5 में एक निशांत कुमार साह की आयु शामिल कर दी जाए, तो जो आयु है वो 24 हो जाती है, जो औसत है वो 24 हो जाता है। आपको ज्ञात करना है निशांत की आयु क्या है, आपको ज्ञात करना है निशांत की आयु क्या है। इसके लिए आपको मैं दो तरीका बताऊंगा, एकदम नवा नमा, एकदम ताजा ताजा फ्रेश फेस, नया नया माल बता रहा हूं, सुनिएगा। सबसे पहला तरीका आपका यह है कि यहां 5 व्यक्तियों की औसत आयु 22 साल है, 5 व्यक्तियों की औसत आयु 22 साल है, यानी इन 5 व्यक्तियों के आयु का योग क्या होगा, इन 5 व्यक्तियों के आयु का योग क्या होगा, इन 5 व्यक्तियों के आयु का योग 22 × 5 यानी 110 होगा। 22 × 5 यानी क्या होगा बच्चा? 110 होगा। लेकिन अगर मैं इस 5 के साथ निशांत बाबा को ऐड कर दूं, मैं इस 5 के साथ निशांत बाबा को ऐड कर दूं, इस 5 के साथ एक निशांत को ऐड कर दूं, आदमी हो जाएंगे 6, आदमी हो जाएंगे 6 और एवरेज हो गया 24, एवरेज हो गया 24, यानी 24 × 6 यानी कि कुल आयु हो जाएगा 144। यानी क्या यार, 5 आदमियों का जो आयु का योग है वो 110 आ रहा है, 5 आदमी के आयु का योग 110 आ रहा है और 5 में निशंतवा को जोड़ दिया ना, 5 में निशंतवा को जोड़ दिया तो गर्दा उड़ा दिया भैया, एवरेज जो हो गया, योग जो हो गया 144 हो गया। 144 में से 110 घटाओ, 144 में से 110 घटाओ यानी कि घट के क्या आ जाएगा, घट के आ जाएगा 34। यानी आप क्या कहने वाले हैं, आप क्या कहने वाले हैं, निशांत का जो आयु है वो 34 साल है। निशांत का जो आयु है वो क्या है भैया? निशांत का जो आयु है वो 34 साल है, यानी जो द एज ऑफ निशांत विल बी 34 ईयर, द एज ऑफ निशांत विल बी व्हाट 34 ईयर। देखो लेकिन इसको मैं बहुत इजी तरीके से दूसरे तरीके से बनाऊंगा, इसको दूसरे तरीके से भी बनाऊंगा, ये दूसरा तरीका भी आपको मैं सिखा रहा हूं, सुनिएगा। दूसरा तरीका क्या कहता है वो सुनिएगा।
दूसरा तरीका कुछ नहीं करना है, ज्यादा वाला आदमी नीचे कम वाला ऊपर, ज्यादा वाला आदमी नीचे कम वाला ऊपर, ज्यादा वाला आदमी नीचे कम वाला ऊपर। अब सुनना, यहां और यहां, यहां पहले देखना है आदमी कितने से बढ़ा है, एक से लिख दीजिए प्लस वन। यहां देखिए, यहां एवरेज कितने से बढ़ा या घटा है, तो दो से बढ़ता हुआ दिख रहा है इसलिए प्लस टू, अगर दो से घटता हुआ दिखता माइनस टू लिखते। अब देखिएगा यहां पे क्या होगा, इस एक की गुणा 24 में 24 गुणा एक 24 हो जाएगा, और इस दो की गुणा पांच में पांच गुणा दो 10 हो जाएगा, और 24 और 10 को जोड़ने पे 34 साल आ गया, निशांत का आयु 34 साल। अब आपके दिमाग से फ्यू जुड़ गया, अरे ई मास्टर वा का कर दिया, ई मास्टर वा का कर दिया, जा ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, मेरे को समझ नहीं आया। मैं कहूंगा रुक जाओ यार, मैं कहूंगा रुक जाओ, रुक जाओ, 100% रुको तभी सीख पाओगे। गणित पानी पानी है, गणित पानी पानी कर दूंगा, 100% आपका भाई गणित को पानी पानी कर देगा। देखो कैसे सैया ने देखा ऐसे मुझे, मैं पानी पानी हो गई। देखो पांच व्यक्तियों को औसत आयु 22 साल, अब इसके साथ एक आदमी और आ गए, एवरेज हो गया 24। आपको क्या करना है, आदमी कितने से बढ़ा और एवरेज कितने से बढ़ा ये देख लिया, उसके बाद क्या करना है, जो बढ़ा है ना, देखो आपको क्या करना है, आदमी की गुना एवरेज में और एवरेज की गुना आदमी में, यानी इस एक की गुना 24 में और ये दो की गुना पांच में। एक की गुना किस में, एक की गुना 24 में और दो की गुना पांच में, एक की गुना 24 में और दो की गुना क्या है, दो की गुना पांच में। अब यार एक बात बताओ, एक की गुना 24 में करेंगे 24 गुना एक 24 हो जाएगा, और पांच की गुना दो में करेंगे पांच गुना दो क्या हो जाएगा, पांच गुना दो 10 हो जाएगा। अब यार एक बात बताओ यार, ऑब्वियस ही बात है 24 और प्लस 10 क्या होता है 34, यानी निशांत का 34 साल हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले इसको यहां पे गुना देखो, सबसे पहले ना आपको घड़ी की उल्टी दिशा में तीर चलाना है, घड़ी की उल्टी दिशा में तीर चलाना है, यानी घड़ी के उल्टा चलना है, इसकी गुना हिया और इसकी गुना यहां। देखो ये जो आदमी है, आदमी की गुना करना पड़ेगा एवरेज में, तो उम्र आएगा, तो भैया एक की गुना 24 में किया घड़ी की उल्टी दिशा में, और इस देखो तो एवरेज की गुना आदमी में करना पड़ेगा, दो की गुना 10 में किया, अरे भैया 24 और 10 को जोड़ेंगे 34 आएगा, और यही निशांत का आपका वजाबता उम्र आया, यही निशांत का आपका वजाबता उम्र आया है। और एक बात याद रखिएगा, ये जो वैल्यू आता है किसका आता है, जो नया पर्सन यहां पर एड होता है ना उसकी वैल्यू आती है, अगर दो पर्सन एड होंगे तो दो की वैल्यू आएगी, 3% एंड हो गए 3 की वैल्यू आएगी, और ऐसे जब तक 4-5 सवाल हुए ना तब तक मजा कैसा यार, ऐसे जब तक 4-5 सवाल हुए ना तब तक मजा कैसा यार। इसको देखिए आप बेसिक से भी बना सकते हैं, लेकिन एडवांस मेथड से मैं आपको करके दिखा रहा हूं। 15 सदस्यों की औसत आयु 20 साल है, आप यहां पर लिखेंगे 15 सदस्य और यहां औसत आयु क्या लिख देंगे 20 साल। अब सुनिएगा आगे सीन समझना, लिखा हुआ है यदि प्रियंका प्रिया प्रकाश को शामिल कर दिया जाए, यानी 15 आदमी में आपने प्रिया प्रकाश को शामिल कर दिया, तो प्रिया प्रकाश कहते किसको है, अरे प्रिया प्रकाश एक आइटम ऐसी, मतलब आइटम कह रहा हूं यार माफ करना, मतलब प्रिया प्रकाश एक ऐसी बच्ची का नाम है जिसने का वीडियो जो है वो वायरल हुआ था, कब, जब यार वो वाला सीन चल रहा था प्रेमी प्रेमिका दिवस वैलेंटाइन डे ऐसे ऐसे, और लड़का ऐसा हो गया था, तो वो वाला वीडियो हुआ था समझना थोड़ा सा। तो 15 व्यक्तियों की औसत आयु 20 साल है, जैसे 15 में प्रिया प्रकाश को जोड़ा जाए तो एवरेज एज क्या हो जाता है 21 साल हो जाता है। अब गौर से सुनना जो भी मैं आपसे कहने चाह रहा हूं, अब यार यहां पे देखो, यहां आदमी कितने से बढ़ा, यहां आदमी एक से बढ़ा है, और यहां एवरेज क्या हुआ है, एवरेज भी एक से बढ़ा है। देखो ऊपर से नीचे आना है, आदमी कितने से बढ़ा एक से, और एवरेज भी कितने से बढ़ा बच्चा एक से। अब आगे क्या होगा वो सुनिएगा, इस एक की गुणा 21 में और इस एक की गुणा किसमें 15 में, हमेशा आपको कैसे गुणा करना है, घड़ी की विपरीत दिशा में। मतलब क्या, आप लोग सेशन शेयर नहीं कर रहे, मैं बार बार सेशन शेयर करने नहीं बोलूंगा, एक बार कसके सेशन को शेयर करिएगा। एक की गुणा 21 में 21 गुणा 21 होता है, एक की गुणा 15 में 15 गुणा 15 होता है, और 21 में अगर 15 को जोड़ूंगा सवाल को उत्तर 15 और 21 यानी कि 36, सवाल को उत्तर 15 और 21 यानी कि 36, ना तो 36 से कम और ना तो 36 से ज्यादा, एग्जैक्ट सवाल को उत्तर 36 ऑप्शन नंबर ए है, एग्जैक्ट सवाल को उत्तर 36 ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर ए है। अब आपके सामने एक नया प्रश्न, देखो इस प्रश्न को मैं देखो इस प्रश्न को मैं एक काम करता हूँ ना, एक प्रश्न को मैं दोबारा आपको एक नए डिजिट के माध्यम से आपके सामने रखता हूँ, देखते कौन कौन कर पाता है, ठीक है भाई। तो यार मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आदमी मैं 45 कर देता हूँ, और 45 व्यक्तियों की औसत आयु जो है वो 20 वर्ष है, ठीक है भाई। 45 आदमी की औसत आयु क्या है भैया, आप 20 वर्ष नहीं करता हूँ, 45 आदमी की औसत आयु कर देता हूँ मान लीजिए 80 वर्ष, क्या कर देता हूँ 80 वर्ष, और जैसे ही प्रिया प्रकाश आती है ना वैसे ही एवरेज क्या हो जाता है,
वैसी आपका एवरेज क्या हो जाता है, वैसी आपका एवरेज 81 हो जाता है। बताइए प्रिया प्रकाश का उम्र क्या है। देखिए क्वेश्चन वैसा ही है, 45 व्यक्तियों की औसत आयु जो है वो 80 साल है, जैसे ही इनके साथ प्रिया प्रकाश जी आ गई इनका एवरेज जो हो जाएगा वो 81 साल हो जाएगा। बताना है प्रिया प्रकाश की, बताना है प्रिया प्रकाश की आयु क्या है। अनिकेत कुमार कह रहे साउंड प्रॉब्लम, क्या साउंड प्रॉब्लम है बताओ, साउंड प्रॉब्लम क्या है बताओ। सेशन को शेयर करना मत भूलो, सेशन को शेयर करना मत भूलो, कस के सेशन को शेयर करो। आज मेरे को मंगता यहाँ पे 500 लोग क्रॉस करना मंगता, यो थारे भाई, थारे भाई को आज 500 क्रॉस करना है किसी भी हाल में, जल्दी क्विक। एक सौ छब्बीस, बहुत सही बहुत सही, जानदार शानदार जबरदस्त जिंदाबाद मेरे बच्चों। बिल्कुल सवाल का उत्तर 126, सारे विद्यार्थियों ने कहा सवाल का उत्तर कतई सही है, 126 126 126 और 126। बहुत सही, बहुत ही जानदार जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से आपने सवाल का उत्तर दिया है। ये देखिए 45 सदस्यों की औसत आयु, 45 सदस्यों की औसत आयु 80 साल है। अब यार 45 में जैसी आ गए निशांत कुमार सा, 45 में जैसी आ गए निशांत कुमार सा, एवरेज क्या हो गया, एवरेज 81 हो गया, एवरेज क्या हो गया, एवरेज 81 हो गया। अब देखिएगा 45 को मैं यहां पे आदमी कितने से बढ़े, एक से, और यहां एवरेज कितने से बढ़ा, एक से, एक गुणा 81 81, अरे यार एक गुणा 81 81 होता है और 81 गुणा 45 क्या होता है बच्चा, 45 होता है। तो यार 81 गुणा, अच्छा ये निशांत नहीं है प्रिया प्रकाश है, पी लेना। तो यार इस दोनों को अगर जोड़ोगे तो यहाँ पे 8 4 12 और 1 5 और 1 6 सवाल को उत्तर 126 आ जाएगा। ऑब्वियसली बात 126 कैसे किया, यहाँ पे बस आपको देखना है यहाँ आदमी कितने से बढ़ा है और यहाँ पे देश बस आपको देखना है एवरेज कितने से बढ़ा है। यहाँ आदमी बढ़ा है एक से और यहाँ एवरेज बढ़ा है एक से, तो इस एक की गुणा किसमें करनी है, 81 में, 81 गुणा 1 81 होता है, और इस एक की गुणा किसमें करना है, 45 में, 45 गुणा 1 45 होता है। हमेशा ऐसे चलना है, ठीक है। एक काम करते हैं कि आपको अगर परेशानी आएगी ना तो इस प्रश्न को एक बार देखेंगे, इस प्रश्न से हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जी हाँ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है, प्रश्न से क्या हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल जी हाँ। अरे अरे नहीं नहीं, पग घुघरू कि पग घूर बाद मेरा नाचेगी नाचेगी नाचेगी, हा हा। ओके सर, अरे भाई जल्दी जल्दी सेशन को शेयर कर भाई। 42 साल, सबसे पहले मनीष भाई का सवाल का उत्तर आया है 82 साल, बहुत बढ़िया। एक काम करता हूँ मैं 10 सेकंड का मौका ठेल देता हूँ आपके सामने, जल्दी करिएगा क्विक। फिर 110 110 आ रहा है, 118 आ रहा है भाई, अरुण भाई 118 कह रहे, फिर 110 कह रहे, बुनित भाई है इस, और कौन है, ममता जी हैं, और कौन है भैया, ममता देवी थी, और कौन थी, ममता की देवी थी, मार्च दीपक है हमारे पास, अनिकेत भाई है, सैनी गर्ल है, बहुत बढ़िया भाई, अनिकेत जी है, संतोष भाई है, बहुत खूबसूरत भाई। यहाँ पे क्या है, 18 पालियों का औसत रन जो है 80 है, 18 पालियों का औसत रन 80 है। अगर मैं 18 पाली में 19वीं पाली को जोड़ू, 18 पाली में 19वीं पाली को जोड़ू, औसत रन 82 हो जाता है। 18 पाली में 19वीं पाली को जोड़ू, औसत रन क्या हो जाता है, औसत रन 82 हो जाता है। अब सुनो एक बात बताइए, 18 पाली का जो औसत रन है वो 80 है, अब 18 में अगर 19वीं पाली को जोड़ा तो औसत रन क्या हो जाएगा, 82 हो जाएगा। अब सुनो यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे जो एवरेज है वो कितने से बढ़ा है, 2 से, और यहाँ पे जो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे जो इनिंग बढ़ा है वो कितने से बढ़ा है, 1 से। हमेशा याद रखिएगा जो नया वाला आइटम ऐड हुआ है ना, हमेशा याद रखिएगा जो नया वाला आइटम ऐड हुआ है ना उसी का क्या है, जो नया वाला आइटम ऐड हुआ है रियलिटी मामले में उसी का ये वैल्यू देगा। आपको बस क्या देखना है कि ऊपर से नीचे में क्या बढ़ा है, यहां पे कितने से बढ़ा है और यहां कितने से बढ़ा है। तो एवरेज बढ़ गया है 2 से और यहां इनिंग बढ़ गया है 1 से। अब क्या होगा, घड़ी की उल्टी दिशा में काम, घड़ी की उल्टी दिशा में काम, ये 1 की गुणा किस में होगा, 1 की गुणा 82 में और 2 की गुणा कैसे, 18। घड़ी की उल्टा दिशा, घड़ी ऐसे ना देखो, घड़ी चलता ऐसे लेकिन तुम्हें काम करना कैसे, ऐसे निमूरा 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 ऐसे चलना, ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं चलना तुमको, ऐसे 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 चलना है।
ठीक है भाई। तो एक बात को याद रखो, अब यार 1 × 82 करोगे 82 पाओगे, और 2 × 18 पाओगे, 18 × 2 = 36 पाओगे। ऐड कर दोगे 6 × 2 = 8, 8 × 3 = 11, सवाल का उत्तर 118, 19वीं इनिंग का रंग 118। देखो कितना ईजी तरीके से बन गया। मैं तो कह रहा हूं हमेशा आपसे कि जो टेक्निक मैंने बताई वो टेक्निक का इस्तेमाल करिए, 100% आपका लाभ का ही नहीं हुआ तो जो कहेंगे वो ठीक है, 100 सवाल का उत्तर नहीं होता। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर ये 4 नहीं, इसके पीछे एक और सवाल हो चुका है, 5 सवाल हम लोग कर चुके हैं। जी हाँ, 5 सवाल हम लोग कर चुके हैं, जल्दी करके दिखाइएगा। कल एक बच्चे ने बताया मेरे साथ क्या किया, मैं जो क्लास में ऐसे यार गाना गा रहा था उसका वीडियो कट करके मेरे को भेजता वाला सर, और उसको मिक्स भी कर दिया बड़ा अजीब तरीके से। मैं यहाँ पे चला नहीं सकता, लेकिन मैं उसको इंस्टाग्राम पर शेयर करूंगा। सर आप एक्सप्लेन अच्छा करते, थैंक यू वेरी मच। 118, अरे भैया इस सवाल का उत्तर अभी तक किसी का नहीं आया, चलो मैं करके दिखाता हूं। देखिए क्या है, 15 सदस्यों की औसत आयु 19 साल 3 महीना है, सदस्य आपके 15 है और जो औसत आयु है वो 19 साल के साथ साथ 3 महीना जुड़ गया है। अब सुनो, यदि धुलधुल, धुलधुल एक कल्पना है, ठीक है, ढुलढुल एक कल्पना है, जैसे सपनों की रानी कब आएगी तू, वैसे मेरी ढुलढुल कब आएगी तू पता नहीं है, ढुलढुल कब आएगी चलिया आ जाएगी। अब देखो जैसे यहाँ ढुलढुल की आयु को शामिल कर दिया गया, यानी 15 व्यक्तियों के साथ अगर मैंने ढुलढुल को ऐड कर दिया, वैसे ही एवरेज क्या हो जाता है, एवरेज हो जाता है 19 साल 5 महीना। एवरेज क्या हो जाता है, एवरेज हो जाता है 19 साल 5 महीना। जी हाँ, एवरेज क्या हो जाता है, एवरेज हो जाता है 19 साल 5 महीना। तो 15 व्यक्तियों का जो एवरेज एज है वो 19 साल 3 महीना है, लेकिन 15 में जैसे ही मैंने क्या किया, ढुलढुल को ऐड किया, एवरेज हो गया 19 साल 5 महीना। अब देखो तो यहाँ यहाँ आदमी कितना बढ़ा है, 1, और यहाँ एवरेज कितने से बढ़ा है, 2 से। यानी देखोगे 15 यहाँ पे 15 आदमी से हो गए हैं 16 आदमी। देखो ना 15 आदमी पहले 15 थे, अब आदमी है 15 प्लस ढुलढुल, यानी आदमी बढ़ गया है 1 से। लेकिन यहाँ पे जो एवरेज है ना साथी, एवरेज बढ़ गया है 2 से। अब 1 × 19 साल 15 महीना में, यानी 1 × 19 साल 5 महीना, यानी यार बट ऑब्वियसली बात है कि आ जाएगा 19 साल 5 महीना। और 2 × 15 करेंगे तो 2 × 15 आपका क्या आ जाएगा, 2 × 15 आ जाएगा आपका 30 महीना। अब एक चीज को ध्यान रखिएगा, आप जब भी गुणा करते हैं तो ऐसे गुणा करते हैं, ठीक है भाई। तो जैसे ही आप 1 गुणा करेंगे भाई 19 साल 5 महीने में, तो 19 साल 5 महीना आएगा। लेकिन यहाँ पे जो बढ़ा है ना वो 2 से नहीं बढ़ा, 2 महीने से बढ़ा है। 2 की गुणा करेंगे 15 में, तो 15 × 2 = 30 महीना आएगा, और 30 महीने का मतलब होता है 2 साल और 6 महीना। जी हाँ, 30 महीने का मतलब क्या होता है, 2 साल और 6 महीना। अरे भैया 24 महीने का तो 1 साल, सॉरी 12 महीने का तो 1 साल होता है, तो 24 महीने में 2 साल, और इसको 2 साल 6 महीना कहेंगे। 19 में 2 जोड़ो, 19 और 2 = 21, ये 21 साल हो गया, 6 और 5 = 11, सवाल का उत्तर हो जाएगा 21 साल 11 महीना ऑप्शन नंबर बी, 21 साल 11 महीना ऑप्शन नंबर बी, 21 साल 11 महीना ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, 21 साल 11 महीना ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, 21 साल 11 महीना ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर बी। देखिए करिए इसको, बहन तुम्हें लगता है कि ये पगली चुप हो सकती है, कौन पागल हो गया। सर कैसे पता चलेगा कि महीने से बढ़ा हुआ है। अच्छा एक बात बता यार, अरे यार मैंने क्वेश्चन नहीं बढ़ाया था क्या, मैंने क्वेश्चन का मैंने टाइम बढ़ा दिया, या फिर मैंने क्वेश्चन बढ़ाया था और मेरे से चेंज हो गया बेटा। बट ऑब्वियस ही बात है कि यार 20 साल 11 महीना से 20 साल 10 महीना होगा, तो बढ़ रहा है कि घट रहा है आपको तो पता चलेगा ही ना, नहीं कैसे पता चलेगा। देखिए इस सवाल को थोड़ा सा, और आज क्या मेरे 150 पे रहने वाला हूँ मैं क्या, कि क्या बकवास बना के रखा आप लोगों ने, एकदम 150, 151, 152 पे टिका हुआ है मैं 500 की बात करता हूँ आप नीचे चले जाते हो, क्या ये मजाक हो रहा है क्या ये गधे। चलो जी सवाल का उत्तर देखिएगा, 10 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है, 10 व्यक्तियों की औसत आयु क्या है बच्चा, 10 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष 11 महीना है, 20 साल 11 महीना है, बहुत सही। यदि ढुलढुल की आयु जोड़ दी जाए, यानी 10 आदमी में आपने क्या किया, ढुलढुल की आयु को जोड़ दिया, तो जो एवरेज हो गया वो 20 साल 10 महीना हो गया, जो एवरेज हो गया क्या हो गया, 20 साल 10 महीना हो गया। दैट इज वेरी सिंपल, आपके लिए कौन सा बहुत बड़ा कांड है भाई। यहां पे देखो आदमी कितने से बढ़ा, 1 से, लेकिन यहां देखना 20 11 से 20 10 हो गया, तो यहां पे एज बढ़ा नहीं है घटा है, और कितने से घटा है,
यहां जो एवरेज घटा है वो 1 महीने से घटा है। बहुत सिंपल, तो 1 से गुणा करेंगे 20 साल 10 महीना में, तो यार 1 गुणा 20 साल 10 महीना एक क्या आएगा, 20 साल 10 महीना आएगा। अब यहां देखिएगा, यहां -1 गुणे 10 करेंगे, -1 गुणे 10 करेंगे तो यहां आ जाएगा -10 महीना। तो 20 साल 10 महीने में से 10 महीना को घटाएंगे, रियलिटी मामले में क्या पाएंगे, 20 साल पाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। रियलिटी मामले में क्या पाएंगे, 20 साल, ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर डी। सर जी आप पिज्जा नहीं खिलाते हो, मैं पक्का पिज्जा खिलाऊंगा, एक बार आप क्रॉस करा दो। ठीक है सर, आपकी अच्छी लगती है, मतलब आपकी अच्छी लगती है मतलब क्या, रिंकू गौतम क्या अच्छी लगती है बे मेरी, हैं मेरी क्या अच्छी लगती है, मेरी अदा अच्छी लगती है तुम्हें, अब मेरी कौन सी अदा आने लगी यार तुम्हारे पास। देखो इस क्वेश्चन को करो, देखो जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा ना सारे एक तरीके से कराऊंगा, आप भी सोचोगे यार कभी एज बढ़ रहा है कभी एज घट रहा है, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू स्टे चिल। यस सर मेरा सही है, अरे बहुत सही यार, गर्दा उतार दिए, लेकिन सवाल का नंबर के साथ आप क्वेश्चन को करोगे तब मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर क्या होगा, मैं अभी तक क्वेश्चन नंबर 5 ही क्वेश्चन हुआ है क्या, ज्यादा समय क्यों लग गया भाई, 1 2 3 3 3 3 3 3 4 5 और ये 6, अच्छा अभी तक मात्र 6 सवाल ही हुए, माफ करना, कोई बात नहीं, थोड़ा स्पीड को बढ़ाया जाए, इंक्रीज किया जाए। बहुत बढ़िया, सवाल का उत्तर 27 आ रहा है। देखिए जो बच्चे नए जुड़े हैं वो समझिएगा, 12 सदस्यों की औसत आयु 40 साल है, 12 सदस्यों की औसत आयु 40 साल है, यदि निशांत कुमार शाह की आयु शामिल कर दी गई, यानी भैया निशांत बाबा की आयु शामिल कर दी गई, एवरेज 39 साल हो गया, एवरेज क्या हो गया 39 साल हो गया। देखिए क्या क्या करते हैं वो सुनिएगा, आपको ज्यादा वाला आदमी ऊपर और कम वाला आदमी नीचे रखना है, 12 आदमी का एवरेज एज क्या लिखना है, 12 आदमी का एवरेज एज 40 साल, जैसी 12 में निशांत आ गया एवरेज हो गया 39 साल, लिख दीजिए यहां एवरेज 40 से 39 हुआ है, -1 एक से घट गया है, आदमी 12 से 13 हुआ है, +1 एक से बढ़ गया है, 1 गुणा 39 39, -1 गुणा 12 -12, 39 में से 12 चला गया, निशांत की रियल में उम्र आ गई 27 साल, ऑप्शन नंबर सी। मेरी ओरिजिनल उम्र से 1 साल बड़ा, मेरी ओरिजिनल उम्र 26 साल हो रही है, रियलिटी मामले में, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारे बालों की कसम मैं झूठ बोलू तुम्हारे बाल झड़े, ओ माय गॉड। देखना तो भैया मैंने क्या किया, यहां देखो क्या करना होता है, यहां का इंक्रीज डिक्रीज और यहां का इंक्रीज, क्या करना होता है, इसकी गुणा करनी होती इधर और इसकी गुणा इधर करनी होती, घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, सवाल नंबर 7 पे आ जाओ, क्विक जल्दी करना, सवाल नंबर 7 पे आ जाओ। सर एमटीएस की एग्जाम किस मंथ तक आएगी, देखो बेटा एमटीएस का एग्जाम जो है ना वो जुलाई में हो जाएगा, जी बिल्कुल, मुस्कान सिंह कर रही है, सर जी झूठ ना बोलो, इस हिसाब से मैं आपको झूठा लग रहा हूं, बताओ, नहीं कसम है यार झूठ नहीं बोल रहा हूं रियलिटी मामले में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 27 74 124 74 124, बहुत बढ़िया, निशांत की 20 पालियों का औसत 88 रन है, यानी निशांत की 20 पालियों का जो औसत रन है वो 88 है। अब सुनो, उच्चतम और न्यूनतम स्कोर को जोड़ा जाए, यानी क्या कि 20 पालियों में सबसे अधिकतम स्कोर और सबसे न्यूनतम स्कोर, यानी मैक्सिमम को और मिनिमम स्कोर को जोड़ा जाए, तो क्या लिखा हुआ है, तो औसत 89 यानी कि 89 हो जाता है, औसत 89 की 89 हो जाता है, अधिकतम रन और न्यूनतम रन का पता लगाएं। तो चलिए इससे पहले कि मैं आपको यह सिखाऊं, मैं चाह रहा था कि एक आइटम सीखिएगा, सुनिएगा, हम आपसे यह कहें कि 12 व्यक्तियों की औसत आयु ना 40 साल है, और जैसे ही 12 व्यक्ति में हम ए और बी को जोड़ दिए, जो आपका एवरेज है ना वो 43 साल होगी, आपको बताना है ए और बी के आयु का योग क्या होगा, ए और बी के आयु का योग क्या होगा, जी हाँ ए और बी के आयु का योग क्या होगा, यहां औसत है और यहां व्यक्ति है, यहां औसत है और यहां व्यक्ति है, चलिए तो बताइए, तो देखते हैं आप में से कौन कौन ऐसे जिगर वाले लौंडे जो सवाल को उत्तर बताएंगे। सीएचएसएल के लिए भी सर जी हाँ बिल्कुल, सीएचएसएल के लिए भी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एमटीएस की तैयारी करें, सीजीएल की तैयारी करें, सीएचएसएल की तैयारी करें, किसी चीज की तैयारी करें, सारे परीक्षाओं के लिए ये क्लास जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। आप सभी से मेरा नंबर निवेदन है कि आप सभी लोग सेशन को शेयर करें, नहीं तो मैं कट्टी सो जाऊंगा, ये कौन सा हालात बना रखा है आपने, बताओ बताओ आप ही, अच्छा लग रहा है क्या,
सेशन तो थोड़ा शेयर मांगता है ना बॉस। बॉस है हुक्म का इक्का, बॉस है जवाब पे लिखा, बॉस है बॉस है बॉस बॉस बॉस। ये गलत बात है, सेशन थोड़ा शेयर हो जाना चाहिए। मैं 38 हो जाऊंगा, 122। बहुत सही। देखिए यार यहां पे ना 12 में ना ए बी को जोड़ा, यानी पे आपने दो आदमियों को जोड़ा। अगर दो आदमी को जोड़ा तो यहां एवरेज कितने से बढ़ गया, एवरेज 3 से बढ़ गया। अगर आपके दो आदमी के जोड़ने से एवरेज 3 से बढ़ा है तो कुछ नहीं करना है। ये 2 की गुणा 43 में, 43 गुणा 2 क्या हो जाएगा 86, और ये 3 की गुणा 12 में, 12 तिहाई क्या हो जाएगा 36, 36 और इसको जोड़ोगे 6 6 12 कैरी फॉरवर्ड 1, और 8 4 12 सवाल को उत्तर 122, यानी ए और बी की आयु का योग जो है वो 122 है। जो ए और बी के आयु का योग क्या है भैया, ए और बी के आयु का योग ना तो 122 से कम और ना ही 122 से ज्यादा, ए और बी के आयु का योग एग्जैक्ट आपका 122 है। समझ आ रहा है मेरी बात? ए और बी के आयु का योग क्या है बच्चा, ए और बी के आयु का योग एग्जैक्ट जो आपका क्या आ रहा है, एग्जैक्ट आपका 122 आ रहा है। समझ आ रहा नहीं आ रहा जल्दी बता दो, समझ आ रहा नहीं आ रहा जल्दी बता दो। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन। ठीक है, अब एक काम करना है कि एक काम करो, एक और सवाल करने से पहले इसी को देख लो। 20 व्यक्तियों की, सॉरी 20 पाली का औसत रन 80 88 है। देखो 20 पालियों में एक अधिकतम और एक न्यूनतम रन को जोड़ा, सबसे ज्यादा वाले रन को जोड़ा और सबसे कम वाले रन को जोड़ा, तो एवरेज क्या आ गया? तो जो एवरेज आ गया वो 89 आ गया। अब देखो यहां पे आपके पाली कितने से बढ़े हैं, 2 से, और यहां एवरेज कितने से बढ़ा है, 1 से। 2 गुणा 89 क्या होता है, 89 गुना 2, 9 दुना 18 कैरी फॉरवर्ड 1, 8 दुना 16 और 1 17, यानी आप कहेंगे 179। और 1 गुणा 20 क्या होता है, 1 गुणा 20 आपका 20 होता, सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 198। तो सवाल का उत्तर क्या आया कि मैक्सिमम अधिकतम, जी हां, मैक्सिमम और मिनिमम को अगर आप जोड़ोगे, मैक्सिमम और मिनिमम को जोड़ोगे तो 198 पाओगे। यहां पे एक बात लिखा गया है, यहां पे एक बात लिखा गया है कि यार अधिकतम रन न्यूनतम रन का पता लगाए अगर अधिकतम रन न्यूनतम से 50 अधिक है, यानी मैक्सिमम और मिनिमम को जोड़ोगे तो 198 आएगा, लेकिन अगर आप मैक्सिमम और मिनिमम को घटाओगे ना तो मैक्सिमम और मिनिमम को घटाने पे आपको 50 मिलेगा। चलिए तो अब आपसे मैक्सिमम मिनिमम पूछा है, तो एक काम करो दोनों को जोड़ो, अगर दोनों को जोड़ोगे तो यहां जुड़ के 8 हो जाएगा और 19 अब 5 हो जाएगा 24, और बराबर क्या हो जाएगा, बराबर होगा 2 गुणा एमएक्स, यानी 2 गुणा मैक्सिमम वैल्यू। तो 2 गुणा मैक्सिमम वैल्यू बराबर 248 के, तो 1 बराबर 124 के, यानी अधिकतम वैल्यू 124 है। अगर अधिकतम वैल्यू 124 है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा भैया, मिनिमम वैल्यू आपका 64 होगा। मिनिमम वैल्यू क्या आपका होगा, मिनिमम वैल्यू आपका 64 होगा, यानी आपके सवाल का उत्तर हो गया 124 और 64। जी हाँ, एक सेकंड, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना, 64 नहीं 74, 124 और 74। जी हाँ, 124 और क्या होगा बच्चा, 124 और 74, सवाल का उत्तर हो जाएगा 124 और 74। देखो अगर एक 124 है, दूसरा क्या रखे कि दोनों को जोड़ने पे 198 आ जाए, तो दूसरे को क्या रखना पड़ेगा, दूसरे को रखना पड़ेगा 74। तो 24 और 74, गुरुदेव अर्चना दी चली गई क्या? तो भाई एक बात बताओ, मेरा यही काम है क्या कि अर्चना दी को देखूं, और भी कोई दीदी का नाम ले लो, उसका दीदी का नाम देख लूं, भाई मेरा यही काम बच गया कि मैं पढ़ाऊं। तो भैया एक का है 124 और दूसरे का है 74। इसके अलावा एक दूसरा टेक्निक भी है, दूसरा टेक्निक ये है कि आप एक काम करो, मैक्सिमम मिनिमम यूं ही लिख लो, उसके बाद आप देखो कि मैक्सिमम मिनिमम से 50 ज्यादा है तो इसको 50 दे दो। ये दोनों का योग 198 था, 198 में से आपने 50 दे दिया तो बचा यहां पे 148। अब दोनों को आधा कर दो, आ जाएगा 74 और 74, यानी एक का एज आ जाएगा 124 और दूसरे का एज आ जाएगा 74। ठीक है, क्या आ जाएगा 124 और 74। इस सवाल का उत्तर देखिएगा, इस सवाल का उत्तर देखिएगा क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए कितने भी अलग अलग प्रकार के सवाल हैं, मैं उनको एक ही तरीके से आपको करके दिखाऊंगा। ऑप्शन से भी बना सकते हैं, जी हाँ, जिनका गैप 50 रहता आप दे दीजिए, लेकिन यार आपके एग्जाम में जो आएगा उसमें सभी का गैप 50 दे देगा। ठीक है भाई, याद रखना इस चीज को, तो इस चीज में, इस खाओ में मत खोए रहो। ये तो मैंने दिया था, लेकिन आपके परीक्षा में आएगा तो सभी का गैप 50 ही रहेगा। केशव पाठक बिल्कुल सही कह रहे हो, आ जाओ। 8 व्यक्ति की औसत आयु 12 वर्ष है, 12 वर्ष 8 महीने है, 4 नए व्यक्ति आ जाते हैं तो औसत आयु हो जाती है 12 साल 7 महीने। चारों 9 व्यक्ति का औसत ज्ञात करें। देखो बहुत बढ़िया, 8 व्यक्तियों का जो औसत आयु है बेटा वो 12 साल 8 महीना है। आप कहोगे जी सर लिख लिया,
फिर उसके बाद आठ आदमियों में चार नए व्यक्ति आ गए, आठ आदमी में चार नए व्यक्ति आ गए, औसत क्या हो गया 12 साल 7 महीना, औसत क्या हो गया, औसत हो गया 12 साल 7 महीना। अब देखो यहां एवरेज क्या हुआ है, एवरेज 1 महीने से घटा है, यहां एवरेज क्या हुआ है, एवरेज 1 महीने से घटा है, और यहां आदमी क्या हुआ है, आदमी 4 आदमी से बढ़ा है। जी हाँ, एवरेज क्या हुआ है, एवरेज 1 महीने से घटा है, एवरेज क्या हुआ है, एवरेज 1 महीने से घटा है, और यहां क्या हुआ है, यहां आदमी क्या हुआ है, आदमी जो है 4 से बढ़ा है। अब सुनिएगा, माइनस वन की गुना आठ में, माइनस वन गुना आठ यानी माइनस का 8 महीना, और यहां देखिएगा 4 गुना 12 साल 7 महीना, यानी इन दोनों को गुना करेंगे तो 12 चौके 48 साल और 7 चौके क्या हो जाएगा 28 महीना। जी हाँ, 7 चौके क्या हो जाएगा साथी 28 महीना। अब सुनिएगा, आपके समक्ष मैंने इसको रख दिया है, सबसे पहला काम आपका है कि जो 4 नए व्यक्ति आए हैं उनका आयु निकाला जाए। उनका आयु निकालना बहुत आसान है, यहां आदमी कितने से बढ़ा है 4 से, और यहां एवरेज कितने से घटा है 1 से। माइनस 1 की गुना 8 में माइनस 8 महीना, 4 की गुना 12 साल 7 महीना में, तो 4 की गुना 12 साल 7 महीना में करोगे तो क्या आएगा भैया 48 साल 28 महीना। अब इसमें से घटाएंगे तो जो इनका आयु का योग आएगा वो आएगा 48 साल 28 महीना, क्या आएगा 48 साल 28 महीना। ये क्या आया, ये आया है इन 4 नए व्यक्ति के आयु का योग। लेकिन अगर मुझे इनका औसत चाहिए, अगर मुझे इनका क्या चाहिए, इनका औसत चाहिए, तो उसे मैं 4 से भाग दूंगा, 4 से भाग दूंगा तो 12 चौके 48 यानी कि 12 साल, और 28 बटा 4 क्या हो जाएगा 7, तो सवाल का उत्तर हो जाएगा भैया क्या 12 साल 7 महीना। 12 18 मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, 12 18 है क्या, मैंने कुछ गलत कर दिया, मुझे तो नहीं लग रहा कि मैं अरे 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 कि पग घुघरु बात, अरे हमने कुछ गलत कर दिया। यहाँ पे सबसे पहली गलती अपनी ये रही है कि यहाँ पे माइनस होगा, माइनस होगा तो यहाँ 20 हो जाएगा ना, माइनस होगा तो यहाँ 20 हो जाएगा ना, सॉरी यार, ये हो गया 12 साल 7 महीना, 1 से घट गया, तो माइनस 1 गुना माइनस 8 महीना, और यहाँ पे हो गया 4 12 चौके 48 और 7 चौके 28, ये तो 20 महीना है, 12 चौके 48 और ये 5, यानी ये सवाल का उत्तर तो 5 महीना आ रहा है, 12 साल 5 महीना प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। 32 कैसे आपका आ गया ये बता देना थोड़ा सा, 12 साल 5 महीना प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है अगर मैं ठीक हूं तो। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए 4 नए व्यक्ति का एवरेज चाहिए तो दोनों को 4 से भाग देंगे ना, 12 चौके 48 और 5 चौके 20, सवाल का उत्तर 12 साल 5 महीना होगा, ठीक है भाई, हाँ नहीं तो 12 साल 5 महीना। जी हाँ, ये प्रश्न देखिएगा वैसा ही खूबसूरत प्रश्न। अब आपके सामने मैं जितने प्रश्न कराऊंगा ना, बस एक ही मेरा ध्येय रहेगा कि आपको ज्यादा ज्यादा प्रोडक्टिविटी पे ले जा सकूं। जी हाँ, मेरी मैथ की क्लास तो हो ही रही है, और क्या होगी मेरी मैथ की क्लास दोबारा होगी क्या, एक बार बताओ मेरी मैथ की क्लास दोबारा घूम फिर के होगी के, ए छोरो बाबा की गणित की क्लास दोबारा घूम के होगी के भैया का बात डीजे। देखो अभी जो मैं आपके सामने आपके समक्ष जो रखने वाला हूं उसको सुनिएगा। 9 व्यक्तियों की औसत आयु 20 साल है, 9 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी साल है 20 साल है। अब लिखा हुआ है ए और बी को शामिल कर दिया गया, 9 के साथ ए और बी को शामिल कर दिया गया, तो एवरेज एज ना 22 साल हो गया, कितना साल हो गया 22 साल हो गया। यहां आदमी कितने से बढ़ा 2 से, और यहां एवरेज कितने से बढ़ा है 2 से, 2 गुना 22 22 दूना 44, 2 गुना 9 9 दूना 18, 44 और 18 को जोड़ेंगे अपने आप 8 4 12, और यहां पे पाएंगे क्या 62, यानी आप पाएंगे क्या कि ए और बी के आयु का योग 62 साल है। देखो सबसे पहले ये 62 निकालने में कोई शर्म लाज नहीं होना चाहिए, अगर ए और बी के आयु का औसत पूछता है तो ए प्लस बी के अगर आप आयु निकाल सकते हैं तो औसत निकालने के लिए 2 से भाग, अगर ए और बी के आयु का औसत निकाल सकते हैं तो भैया ऑब्वियस ही बात है आप क्या करेंगे उनके आयु उनका आयु निकालने के लिए किससे भाग, आयु निकालने के लिए 2 से भाग। तो दैट इज वेरी सिंपल, बहुत आसान है ये, आप मुझे केवल ये सोच के बताइए समझ आया कि नहीं आया, अरे भाई जल्दी बताना समझ आया कि नहीं आया, बस ये समझ आना चाहिए। 62 एक बच्चा कह रहा है 41 और 21 सवाल का उत्तर होगा, मुस्कान कह रही है बहुत बढ़िया मुस्कान। अब सुनना, अब लिखा हुआ है ए और बी सॉरी ए की आयु बी की आयु से 20 अधिक है, यानी ए में से अगर बी की आयु को घटाएंगे तो हम 20 पाएंगे,
बहुत सिंपल है, दोनों को ऐड कर दो। जब दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ 2a आ जाएगा और यहाँ जोड़ोगे तो 82 आएगा। तो 2a की वैल्यू 82 आएगी तो भैया a की वैल्यू 41 आ जाएगी। अगर a की वैल्यू 41 आ जाएगी तो b की वैल्यू 21 होगी। क्यों? क्योंकि a और b को जोड़ने पे 62-60 आना चाहिए। a अगर 41 साल है तो b अपने आप 21 साल होगा। सवाल का उत्तर 41 और 21। गया, खत्म, टाटा और बाय बाय। अब बच्चा ये वाला होमवर्क रहेगा, ये होमवर्क रहेगा, फिर आगे दूसरा पॉइंट पे मैं हूं। मतलब ऐसा नहीं क्लास खत्म हो गई, अभी क्लास है, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसके बाद मैं दूसरे पॉइंट पे आऊंगा। जल्दी से इसको एज अ होमवर्क ट्रीट करो, एज अ होमवर्क ट्रीट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट तुमने। ये देखो, अब यहां पे देखो, यहां से मजा आएगा, यहां से देखो, यहां से मजा आएगा। यहां हटाने वाला सवाल बार बार केकरो बुलाइवे करिएगा कि कभी कभी किसी किसी को हटा भी दीजिएगा, तो जरूरी नहीं है कि आप कभी 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 किसी को बुलाए ही, कभी कभी किसी को हटाना भी पड़ता है। तो बहुत खूबसूरत होते हैं वो लोग, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल के लिए आइए सवाल पे क्विक। आय हाय रे मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। बीस माइनस होता, कहां बीस माइनस होता। चलो एक काम करते हैं, अगले सवाल पे आते हैं, थोड़ा देखते हैं ये सवाल। देखो 18 सदस्यों की औसत आयु ना आपकी 12 साल है, 18 सदस्यों की औसत आयु आपकी क्या है, 12 साल है। अगर निशांत कुमार शाह की आयु हटा देंगे, यानी निशांत को हटाएंगे ना, तो 18 में से एक आदमी को हटाएंगे तो आपके पास 17 आदमी बचेंगे, और 17 आदमी का जो औसत आयु क्या हो जाता है भैया, 11 साल हो जाता है। बहुत सिंपल है, बस एक चीज याद रखना है कि ज्यादा वाला आदमी ऊपर रहेगा और कम वाला आदमी नीचे, ज्यादा वाला आदमी ऊपर रहेगा और कम वाला आदमी कहां रहेगा, कम वाला आदमी नीचे। तो ऊपर देखिएगा, ऊपर हमारे पास देखिए 18 आदमियों की एवरेज एज 12 साल दिया हुआ है, ठीक है भाई। अगर मैं निशांत को हटाऊंगा तो निशांत बाबा अगर चले जाएंगे तो मात्र 17 आदमी बचेगा ना, बल्कि उनको आप याद करें या ना करें, लेकिन भाई आदमी तो 17 बचेंगे ना, और अगर 17 आदमी बचेंगे तो 17 आदमी का एवरेज एज कितना साल है, 11 साल है। अब थोड़ा गौर से देखिएगा, अगर 17 आदमी का एवरेज 11 साल है तो देखो, तो यहां आदमी कितने से बढ़ा, एक से, और यहां एवरेज कितने से बढ़ा, एक से। बन गया सवाल, जो मैंने पहले आपको सिखाया उसी तरीके से बनाओ ना। आपको क्या करना है, कम वाला आदमी ऊपर, ज्यादा वाला नीचे। अब निशांत जाएंगे तो 17 आदमी बन जाएंगे, तो 17 ऊपर और 18 नीचे। इसका एवरेज कितना है, इसका एवरेज, अरे यार यहाँ ईयर नहीं होगा, 18 आदमी होंगे। इसका एवरेज कितना है, इसका एवरेज 12 साल, और इसका एवरेज 18 का एवरेज क्या, 17 का एवरेज क्या है, ये इसका एवरेज 11 साल। अब क्या करना है, आपको पता है ना, इसकी गुणा यहां और इसकी गुणा यहां, आपको हमेशा ऐसे गुणा करना पड़ेगा, घड़ी घड़ी की विपरीत दिशा में। जो जो आदमी पढ़ रहा है उसकी गुणा फाइनल वाला एवरेज में, और जो एवरेज बढ़ रहा है उसकी गुना पहले वाले आदमी में, घड़ी के विपरीत दिशा में गुना करना है। अब देखो, एक गुना 12 12 होगा, और एक गुना 17 17 होगा। 12 प्लस 17, सवाल का उत्तर 12 17 यानी 29, ऑप्शन नंबर बी। 12 17 का मतलब 29, 29 का मतलब ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा यार एक काम करते ना, कि इसमें एक और सवाल कर लेते हैं, क्योंकि यार इस पे एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका डमी क्वेश्चन नहीं है। हालांकि मैंने डमी क्वेश्चन इसमें डाला था, और हो सकता है कि नहीं इसमें क्रिएट किया गया हो, कोई बात नहीं है। मैं एक काम करता हूं कि ऐसा ही एक और सवाल आपके सामने क्रिएट कर देता हूं, थोड़ा सा जानदार, बस थोड़ा सा जानदार, ज्यादा नहीं। 48 व्यक्तियों की जो औसत आयु है वो 42 साल है, ठीक है भाई। अब जैसे ही यार निशांत को हटा दिया गया, एवरेज 41 हो गया, 48 व्यक्तियों की एवरेज आयु जो है वो 42 साल है। निशांत बाबा को हटाए, एवरेज 41 हो गया। सभी ऑप्शन फेल कर जाएंगे क्योंकि मैंने डिजिट को बदल दिया है। जल्दी से सवाल करके दिखाइए क्विक। निशु, अच्छा हुआ तू आ गई। अब निशु कौन है यार, संगीता, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, का पे सवाद रखना। जल्दी कर भाई, भाईजान जल्दी, समय कम है और काम ज्यादा। एटी नाइन, बहुत बढ़िया। अब ये देखोगे, 48 व्यक्तियों का जो एवरेज एज है वो 42 साल है, बहुत बढ़िया। निशांत को हटाएंगे, 47 आदमी हो जाएगा, और एवरेज हो गया यहाँ 41। एवरेज क्या हो गया भैया, एवरेज हो गया यहाँ 41। समझ आया नहीं आया,
89 89 बहुत बढ़िया लग के 89 उत्तर आया। अगर आपको लग रहा हो कि गुरुजी ने आपको सिखाया और आपको आ गया, गधे से गधे विद्यार्थियों को आ गया और सेकंड भर में आप सवाल को उत्तर बनाते हैं, तो चिंता मत करिए, एक बार सेशन बस शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में दिल का सिंबल बना के भेजिए, ऐसे दिल, लाल वाला दिल भर जाना चाहिए कमेंट बॉक्स, मैं देखूंगा। ये देखो आदमी बढ़ा एक से भैया के बाद, यहाँ एवरेज बढ़ा एक से भैया के बाद, एक गुना 42 भैया 42, एक गुना 47 भैया 47, दोनों को जोड़ दिया भी यहाँ, सवाल को उत्तर 89। बोलिए राधे राधे। देखो आ जाओ, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूं, अब देखता हूं कि कौन कौन इस सवाल को बना पाएगा, आराम से बना पाएगा, जो आराम से बना पाएगा ना उसी के लिए मैं सवाल को दे रहा हूं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं ये देख लीजिए, यहां पे हमारे पास 48 लोग है, 48 लोगों का जो एवरेज एज है वो 42 साल है। जी हाँ, मेरे पास दिल नहीं है सर, तुम उसका, अरे यार ये बच्ची है देवी जी, अगर आप लड़का होती ना तो मैं आपको बहुत अच्छा जवाब देता, ठीक है। अगर तुम्हारे पास दिल नहीं है तो एक बात बताओ, तुम्हारा खून शुद्ध करने के लिए क्या आरओ सिस्टम लगायो या डायलिसिस करा के जिंदा हो? दिल नहीं है सर मेरे पास, मतलब अजीबो गजीब कहानी है, दिल और दिमाग हर एक आदमी के पास होता है, ठीक है। भगवान सबको बराबर ट्रीट करते हैं भाई, हम किसी को आगे पीछे ट्रीट करें लेकिन भगवान सभी को बराबर ट्रीट करते हैं। चलो आ जाओ बताओ सवाल का उत्तर, 140 आ रहा है भाई, मेरे ख्याल से कम आना चाहिए, अब 140 कैसे आ गया भैया के बाद डीजे। अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना, आ जाओ देखो सबसे पहले यहां पे यार कितने लोग हैं, लोग आपके पास 48 है, 48 लोगों का जो औसत है ना वो 42 साल है। जैसे आपने निशांत को हटाया लोग कितने हो गए, लोग हो गए 47, और 47 लोगों का एवरेज क्या हो गया, 47 लोगों का एवरेज जो हो गया वो 44 हो गया। यहाँ एवरेज कितने से घटा है, 2 से, और यहाँ आदमी कितने से बढ़ा है, यहाँ आदमी बढ़ा है 1 से। ओके ओके ओके, यहाँ पे आपका जो सवाल का उत्तर आ जाएगा ना वो निगेटिव आ जाएगा। आप लोगों ने जिस प्रकार से भी सवाल को बनाया होगा, मैं आपको एक पहले चेतावनी, एकदम भावपूर्वक चेतावनी आपको मैं देना चाहूंगा कि अगर आप इस प्रश्न को बनाएंगे तो प्रश्न का उत्तर गलत लेके आएंगे, हमारी 110% गारंटी है। पूछो क्यों? क्योंकि देखिए जब एक गुना 42 करिएगा तो प्लस 42 होगा, और दो गुना 47 करिएगा, 7 दुना 14 कैरी फॉरवर्ड 1, 4 दुना 8 और 1 9 -94 करिएगा, और आपने इन दोनों को घटा भी दिया और घटा के उत्तर भी दे दिया। आपको पता नहीं है कि अगर आप 42 में से 94 घटाइएगा ना तो सवाल का उत्तर -92 आएगा, और किसी का उत्तर जो किसी का उम्र है वो माइनस में नहीं होता है। तो क्यों ऐसा हुआ है? इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि हमने यहां डिजिट को गलत प्लेस किया है। तो हम डिजिट को सही प्लेस करने के लिए क्या करेंगे, हर एक जगह आगे जो, एक सेकंड, हर एक जगह जो आगे है वो एक चिपका देंगे, यानी ये 142 से 144 हो गया, 142 से 144 हो गया। अब सवाल को करके देखिए, 110% आपके सवाल को उत्तर आएगा। जी हाँ, अब आप प्रश्न को करके देखिए, 110% आपके प्रश्न का उत्तर आएगा और बिल्कुल पॉजिटिव आएगा। पहले तो नेगेटिव आ रहा था ना, नेगेटिव का रीजन बता दिया, अब देखो पॉजिटिव आएगा। हाँ, नेगेटिव आंसर नहीं आएगा, क्वेश्चन गलत है। वाह, सही पकड़े हैं। एक मोटा हाथी घूमने गया, जाके वो गहरी नदी में फंस गया। ठीक है, आ जाओ सवाल का उत्तर अब क्या आ रहा है, -52 तो पहले वाला, अब वाला सवाल का उत्तर बताओ, नए क्वेश्चन का उत्तर बताओ सभी लोग। देखो क्या है लिखा हुआ है, 48 सदस्यों के जो औसत आयु है, 48 सदस्यों की जो औसत आयु है वो 142 है। अब यार इसमें क्या होगा, अब लिखा हुआ है क्या, निशांत को हटाएंगे तो 47 लोग हो जाएंगे और एवरेज आपका हो जाएगा 144। एवरेज कितने से घटा, 2 से, और आदमी कितने से बढ़ा, 1 से। 142 गुना 1 142 होता है, -2 गुना 47 क्या होता है, 7 दुना 14 और 4 दुना 8 94 -94। अब देखिएगा 142 -94 क्या होता है, 142 -94 अगर घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 48। सवाल का उत्तर 48 जिनका, ऐसा ही है सर, मकड़ी के जाल में फंस गया। अच्छा हाँ, एक मोटा हाथी घूमने गया, घूमने के बाद वो क्या होता है, जाके मकड़ी के जाल में फंसा।
और दूसरे हाथी को बुलाया, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। हमने कहा क्यों बुला रहे हो हाथी को, 30 सेकंड का मौका, 12 नंबर जल्दी करके दिखाओ। हाँ नहीं तो अब यार प्रश्न हमारे पास एक से एक है, आप घबराइए नहीं। आप कितना देर स्टे करेंगे ये आप पे डिपेंड करता है। प्रश्न तो हमारे पास बहुत है अभी, एक सेकेंड। अभी एज वाले प्रश्न है आपके पास, संख्या वाले प्रश्न हमारे पास है, होटल के खर्चे वाले प्रश्न हमारे पास है। अभी मतलब अपने पास प्रश्न ही प्रश्न है, परेशान नहीं होना है, प्रश्नों पर ध्यान देना है। जी हाँ, और इस संडे आपके लिए कुछ होने वाला है खास। अंकित कुमार कह रहा आपसे प्यार हो गया गुरुजी। ओके, अगर किसी के दिल में बसना है तो क्या सामान लेके जाना होता है? बेटा किसी के दिल में बसने के लिए कोई सामान लेके नहीं जाना होता है, बस एक बात याद रखिएगा, आप अच्छा काम करेंगे लोगों के दिलों में आप खुद ब खुद बस जाएंगे। अगर आप अपनी मुस्कुराहट से पहले दूसरे की मुस्कुराहट देखना पसंद करते हैं तो मेरे दोस्त आज या कल या परसों उसके दिल में आपकी जगह जरूर होगी। लेकिन एक बात याद रखना मेरे साथी कि जीवन में सिर्फ दिल में जगह बनाने से कुछ नहीं होता है। आज का जो जीवन है ना बड़ा फेक चल रहा है साथी। आप किसी के दिल में जगह बना लीजिएगा ना, उसके बाद आपको वो तभी तक याद करेगा ना। 99.99% रिश्ते इसीलिए होते हैं ना क्योंकि कोई ना कोई काम है। जो रिश्ते काम से बनते हैं ना, काम से याद आते हैं ना, वो ऐसे ही रह जाते हैं। और 100% वाली बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको जांचना है कि किसी के लाइफ में आपको क्या वैल्यू है तो बिना रीजन के रूठ जाइए, और काम आप ही का हो, आप ही का काम हो और आप रूठ जाइए। अगर अगला आपको मना लेता है तो याद रखिएगा कि उसको पकड़ लीजिए, जीवन की सच्ची कमाई वही है आपकी। लेकिन ये कभी होने वाला है नहीं, कभी नहीं होगा ये। चलो आ जाओ, देखो 11 सदस्यों की औसत आयु 31 वर्ष है। 11 सदस्यों की औसत आयु क्या है भैया? 31 वर्ष। अब क्या हो गया? अब हो गया क्या कि ए और बी को हटा दिया। अगर 11 में से हम ए और बी को हटाएंगे तो 9 आदमी बन जाएगा, और 9 आदमी का एवरेज एज क्या हो गया? 9 आदमी का एवरेज एज 32 साल हो गया। मैंने पहले कहा है कि कम वाले को ऊपर लिखेंगे, ज्यादा वाले को नीचे लिखेंगे। तो यार अगर 11 में से अगर मैंने ए बी को हटा दिया तो ए बी गया, बी भी गया, यानी ए बी दोनों गया ना। अगर ए बी दोनों गया तो ए बी गया और बी भी गया, इसका मतलब आप क्या समझते हो? 2 आदमी कम हो गए, यानी तो 9 आदमी हो गए। तो यार 9 का एवरेज 32 और 11 का एवरेज 31। यहां आदमी कितने से बढ़ा? 2 से। और यहां एवरेज कितने से घटा? 1 से। -1 × 9 होगा -1, और 2 × 31 क्या होगा? 2 × 31 होगा 62। 62 में से 9 चला गया क्या होगा? 62 में से 9 चला गया क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 53। यानी जो ए और बी जो दो लोग छोड़े थे, ए और बी जो दो लोग छोड़े थे, इनका जो आयु का योग होगा वो 53 होगा, निकल गया। कैसे हमने किया? यहां जो एवरेज है वो 1 से घटा, और यहां जो आदमी है वो कितने से बढ़ा है? 2 से बढ़ा है। यहां जो एवरेज है वो 1 से घटा है, और यहां जो आदमी है वो 2 से बढ़ा है। तो 2 × 31 = 62 होता है, और -1 × 9 = 9 होता है, यानी कि ए प्लस बी की आयु 53 साल है। अब आपको देखिएगा ए और बी का अगर इनको औसत निकालना है, एवरेज निकालना है, तो ए और बी का अगर औसत निकालना है तो औसत जो होगा 53/2, और 53/2 का मतलब क्या हो जाएगा? 26.5। औसत क्या हो जाएगा? 53/2, और सवाल का उत्तर क्या होगा? 26.5, ऑप्शन नंबर बी। 26.5 ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर सवाल। 26.5 ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर सवाल। ये देखिएगा, हटाने वाला हो जोड़ने वाला हो सारे प्रश्न वैसे ही बनेंगे। आपके सामने मैं समक्ष रख रहा हूं, अगर आपको लगता है कि सर थोड़ा इसमें मुझे और बढ़िया से काम करना है, बस कुछ ना करना वीडियो, अगर आपको इसमें 100% कमांड करना है ना भाई, 100% आप सीख भी गए तब भी 100% कमांड करना है आपको, मैं बस एक काम करूंगा वो काम कर लो। अगर आपका 100% कमांड नहीं हो, आप जो कहोगे वो, जीवन भर एवरेज में कोई नहीं छुपाएगा, कोई छुछुंदर नहीं छुपाएगा, मैं गारंटी देता हूं। और दूसरे से ना 100 × 23 तू सवाल बनाएगा, उसके बाद तो दूसरे सवाल में समय दे पाएगा। काम मैं बताऊंगा वो काम कर लेना, वीडियो खत्म होने के आधे घंटे बाद फिर से वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में पूरा देख लेना, पूरा देख लेना। और अगली बार ना क्वेश्चन तुम खुद ट्राई करने की कोशिश करना, हर एक क्वेश्चन, उसके बाद देखो तुम्हारा ग्रोथ क्या होता है। बस ये काम कर लो, ये काम कर लो। 100% वाली बात कह रहा हूं भैया, के बाद डीजे नहीं होगा, तुम जो कहोगे वो। आ जाओ, गर्दा उड़ जाएगा बे। ये देखो 16 व्यक्तियों की औसत आयु 20 साल है, ए बी की आयु को हटा दिया गया, औसत 19 साल हो जाता है। ए बी ए जो है वो 20 से 10 साल बड़ा है, ए और बी की आयु ज्ञात करिए। इजी है भाई, 16 आदमी का जो एवरेज एज है वो क्या है? 20 साल है। अगर ए और बी की आयु को हटा देंगे तो 14 आदमी हो जाएंगे,
और 14 आदमी का जो एवरेज एज हो जाता है वो क्या हो जाता है, 14 आदमी का जो एवरेज एज हो जाता है वो 19 साल हो जाता है। यहाँ एवरेज कितने से बढ़ा, 1 से, और यहाँ आदमी कितने से बढ़ा, 2 से। 2 गुना 20 हो जाएगा 40, और 1 गुना 14 हो जाएगा 14, यानी कि 14 प्लस 40 होता है 54, यानी आप ये कहेंगे ए और बी के आयु का योग 54 है। अगर कोई आपसे पूछे कि ए और बी के आयु का औसत क्या होगा, तो 54 का आधा 27, भैया के बाद डीजे हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यार ए जो है, ए की आयु बी से 10 साल अधिक है, यानी ए में से बी को घटाएंगे तो मुझे 10 साल मिलेगा। अगर ए की आयु बी से 10 साल अधिक है, यानी कि ए में से बी को घटाएंगे क्या मिलेगा, ए में से बी को घटाएंगे 10 साल मिलेगा। तो अब आपको बताना है कि ए और बी के आयु ज्ञात कीजिए। ए प्लस बी 54 है, ए माइनस बी 10 है, तो ए और बी की आयु ज्ञात करना है। दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ने पे क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पे क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। 2a की वैल्यू 64 है, a की वैल्यू 32 होगी। अब a की वैल्यू 32 होगी तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू 22 हो जाएगी। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू 22 हो जाएगी। यानी आप ये कहेंगे a और b के आयु का योग क्या हो जाएगा, भैया 32 और 22 साल। a और b के आयु का योग क्या हो जाएगा, भैया 32 और क्या हो जाएगा, 32 और 22 साल। जी हाँ, आपसे प्यार हो गया, आपके दिल में बस गए हैं गुरुजी, जौनपुर की धरती से माँ के गोद से हूँ। अरे अरे अरे, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे दिल में बस जाएं, इसके लिए और क्या हो जाएगा यार। यार अपनी, मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश नहीं है, लाखों करोड़ों कमाना नहीं चाहता हूँ मैं, बस तुम्हें कमा लूँ, बस तुम्हें कमा लूँ, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊँगा मैं, बस इतना जान लो। तो मेरी कमाई जो है ना वो लाखों करोड़ों में, मैं चाहता ही नहीं हूं कि मैं लाखों करोड़ों में कमाऊं। लाखों करोड़ों में तो यूं ही कमा लूंगा जब तुम्हें कमा लूंगा। अच्छा, मकड़ी के जाल में फंसा, जाल को देखा देख के डरा, दूसरे हाथी को इशारे से बोला इधर आओ इधर आओ इधर आओ। भाई एक बात बताओ, सेशन को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, मात्र 144 लाइक है। मेरे आंख पलटने से पहले, मैं अगले क्वेश्चन को, सवाल को खत्म करूं उससे करने से पहले 180 प्लस लाइक होगा यहां पे। अब जैसे करोगे वो तुम जानो, मुझे नहीं पता। और वीडियो खत्म करने के पहले 200 लाइक चाहिए मुझे, क्विक। 14 सदस्यों की औसत आयु 20 साल है, 14 सदस्यों की औसत आयु आपकी 20 साल है, ना तो 20 से कम और ना ही 20 से ज्यादा, एग्जैक्ट आपका 20 साल है। लिखा हुआ है यदि ए और बी की आयु को हटा दिया जाए, तो हमने क्या किया, ए और बी की आयु को हटाऊंगा तो 12 व्यक्ति बन जाएंगे, और 12 व्यक्तियों का जो एवरेज एज हो जाएगा वो आपका 19 साल हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब सुनो, अब लिखा हुआ है क्या कि अब देखो 14 व्यक्ति की आयु 20 साल, ए बी को हटाया 12 आदमी का एवरेज हो गया 19 साल। यहां आदमी कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा, और यहां एवरेज कितने से बढ़ा है, 1 से। 2 गुना 20 हो जाएगा 40, 1 गुना 12 हो जाएगा 12। अब 40 और 12 को जोड़ेंगे हो जाएगा 52, यानी ए और बी के आयु का योग 52 है। ए और बी के आयु का योग क्या है बेटा, 52 है। अगर आपसे ये कहता है कि ए की आयु 20 से क्या है, ए की आयु 20 से क्या है बच्चा, ए की आयु 20 से 50 वर्ष अधिक है, यानी a माइनस बी 50 है। a की आयु 20 से कितना वर्ष अधिक है, a की आयु 20 से 50 वर्ष अधिक है। इसका मतलब आप क्या समझते हैं, इसका मतलब a माइनस बी की वैल्यू 50 है। अगर a माइनस बी की वैल्यू 50 है तो आप इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या पाओगे, दोनों को जोड़ोगे तो 2a पाओगे, और 2a की वैल्यू क्या पाओगे, 2a की वैल्यू क्या पाओगे, 2a की वैल्यू 102 पाओगे। अगर 2a की वैल्यू 102 है तो भैया a का वैल्यू क्या आया, a का वैल्यू 51 आया, और अगर a का वैल्यू 51 है तो b अपने आप 1 हो जाएगा। क्यों, देखो a प्लस बी 52 है, उसमें से यार a माइनस बी आपका 50 है, तो 2a की वैल्यू 102, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 51, तो b अपने आप 1 हो जाएगा। चलो सवाल नंबर 15 करके दिखाओ, सवाल नंबर 15 करके दिखाओ, क्विक। सर मैं कमेंट नहीं करूंगी कभी भाई, क्यों भाई, क्यों नहीं कमेंट करोगी तुम, ऐसा तो नहीं है कि कमेंट करने से कोई गलत बात है, आदमी को ना कमेंट वमेंट करते रहना चाहिए, तभी यार पिक्चर में जो दिखता है वही तो बिकता है। रांची झारखंड से मेरा जोहार गुरुजी, जोहार 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 झारखंड, और बतावा काबा कैसन वानी रहुआ लोग जे बताई हमनी के।
देखियो 13 पालियों का जो औसत रन है 28 है, मैं सेकंड भर में बना दूं, 13 पाली का औसत रन 28 है, अधिकतम और न्यूनतम को हटा दिया, पाली हो गई 11 और 11 पालियों का औसत रन हो गया 30। अब यहां पर देखो आदमी बढ़ा है कितने से, पाली बढ़ा है 2 से और एवरेज 2 से आपका घट गया, 2 गुना 28, 28 दुना 56 हो जाएगा, 2 गुना 11 माइनस 22 हो जाएगा, 56 में से 22 घटाएंगे आपको पता है क्या मिलेगा, 4 और 3 34, यानी मैक्सिमम रन और मिनिमम रन को जोड़ने पे, मैक्सिमम रन और मिनिमम रन को जोड़ने पे आपका 34 आता है, मैक्सिमम रन और मिनिमम रन को जोड़ने पे आपका क्या आता है 34 आता है। अब सुनो, जो आपका मैक्सिमम है वो मिनिमम से क्या है, जो आपका मैक्सिमम है वो मिनिमम से क्या है, मैक्सिमम जो है वो मिनिमम से 2 अधिक है, अगर आपका मैक्सिमम मिनिमम से 2 अधिक है तो आप दोनों को जोड़ोगे तो ये क्या पाओगे 34 और 2 36 पाओगे, और यहां दोनों को जोड़ोगे तो 2 गुणा मैक्सिमम बराबर 36 के होगा, 2 गुणा मैक्सिमम बराबर 36 के होगा तो मैक्सिमम किसके बराबर होगा 18 के, और मिनिमम किसके बराबर होगा भैया, मिनिमम बराबर आपका हो जाएगा 16 के, माफ करना मिनिमम किसके बराबर होगा भैया, मिनिमम बराबर होगा 16 के, क्यों, क्योंकि पता है एक 18 है तो दूसरा 16 होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, दोनों को जोड़ने पर 34 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ, खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया फिनिश। ये देखिएगा, ये होटल के खर्चे वाला सवाल है, ये क्या है भैया, ये होटल के खर्चे वाला सवाल है, और होटल का खर्चा वाला सवाल भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, डिट्टो शत प्रतिशत ऐसे बनेगा, देखिएगा चलिए इस सवाल को मैं एक बार कर दूं, उसके बाद जो है वो आप लोग जिस हिसाब से करना चाहें, लेकिन मैं चाहता था कि इस क्वेश्चन को मैं, अगर आप क्या करूं, इस क्वेश्चन को ना मैं कल से स्टार्ट करूं, आज जो है वो सेशन का समय पूरा हो गया है, तो मैं ये चाह रहा था कि इस क्वेश्चन को ना मैं कल से आपको बताऊं, और ये क्वेश्चन ना आपको मैं, इसका पीडीएफ आपको मैं दे रहा हूँ, याद रखिएगा इसका पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूँ, तो याद रखिएगा एसएससी एमटीएस हवलदार 2021-22 की वैकेंसी आ गई है, और आपको मैंने लाइक करने कहा था 180, लेकिन यहाँ पे लाइक मेरे पास 160 पहुंचा है मात्र, ये कितनी गंदी आदत है आपकी, लाइक्स की संख्या जल्दी बढ़ाइए क्योंकि क्लास ओवर भी करनी है हमें। तो भैया एसएससी एमटीएस हवलदार 2021-22 प्रतिज्ञा बैच आ गया है बाइलैंग्वल, हमारे फीचर है डेली लाइव क्लास, डेली क्लास नोट, पीडीएफ, सुपर नोट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, एक्सपेक्ट एक्सपर्ट फैकल्टी, डाउट सेशन, जी हाँ, और बेटा याद रखिएगा इसके लिए आपको 999 रुपए में ही मिलेगा, और कोड आपको इस्तेमाल करना है MTS60, जी हाँ। तो भैया आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, आप कल एग्जैक्ट ठीक आप लोग 4 बजे मिलिए, और ज्यादा मजा करिए, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर पे रहें और खूब मजा करते रहें, जी हाँ, थैंक यू वेरी वेरी वेरी